जब हम बीमार पड़ते हैं या तो हमारे शरीर में कोई पीड़ा होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कई ऐसे पैरामीटर होते हैं जिसको मेजर करते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है ब्लड प्रेशर का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एम इस्लाम, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कई ऐसे पैरामीटर जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यूरिक एसिड, कोलेस्टेरॉल, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट और ब्रीदिंग रेट के बारे में बात करेंगे और हमारे शरीर में इसकी नॉर्मल मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर। दोस्तों, हमारे शरीर में नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होती है वो 120/80 mmHg होती है। 120 होती है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 होती है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर की अगर बात करें तो हमारे हार्ट जब पाम करते हैं तो पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई होता है और उसी दौरान धमनिया के वाल में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। और ब्लड जब हार्ट में फिर से रिटर्न आते हैं तो उसी दौरान वेन में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। अगर आपके ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg के ऊपर होता है तो आप ज़रूर डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। वहीं अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg के नीचे अगर होता है तो उसे हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। दोस्तों, अब चलो बात करेंगे ब्लड शुगर के बारे में। हमारे शरीर में नॉर्मल ब्लड शुगर की मात्रा कितनी होनी चाहिए। हमारे शरीर में दो तरह की ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले सुबह को खाली पेट यानी जिसको फास्टिंग भी कहा जाता है, उसकी नॉर्मल मात्रा होनी चाहिए 70 से लेकर 110 mg पर डेसीलीटर। और खाने के दो घंटे बाद जिसे पीपी भी कहा जाता है उसकी मात्रा होनी चाहिए 140 mg पर डेसीलीटर के अंदर। अगर आपकी ब्लड शुगर की मात्रा 120 के ऊपर जाने लगे तो आप ज़रूर डॉक्टर से सलाह करें या तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर उसको ज़रूर सुधारें, क्योंकि बाद में जाकर आपको डायबिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब चलो बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो हमारे शरीर में कितनी कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है, अच्छी कोलेस्ट्रॉल कौन सा है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल कौन सा है। ऐसे अमूमन हमारे शरीर में 5 किस्म के कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। इसकी मात्रा हमारे शरीर में 170 mg/dL के अंदर ही रहना चाहिए। दूसरा नंबर पर आता है नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसकी मात्रा होनी चाहिए लेस देन 130 mg/dL। तीसरे नंबर पर आता है LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको ख़राब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसकी मात्रा होनी चाहिए आपके शरीर में लेस देन 100 mg/dL। नंबर 4 पर आते हैं HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी माना जाता है। इसकी मात्रा हमारे शरीर में 45 mg/dL के ऊपर ही रहना चाहिए। दोस्तों, ये सब कोलेस्ट्रॉल को छोड़कर और एक किस्म की कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसको VLDL कहा जाता है। इसकी नॉर्मल मात्रा होनी चाहिए 2 से लेकर 30 mg/dL। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को छोड़कर भी हमारे शरीर में एक किस्म की ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं, जो हमारे हार्ट के लिए बेहद हानिकारक होते हैं, क्योंकि हार्ट के आर्टरी वाल में फैट के रूप में डिपॉजिट होकर हार्ट ब्लॉकेज करने का काम करते हैं। इसीलिए हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 120 mg/dL के अंदर ही रखना चाहिए। अगर आपको हार्ट की बीमारी है तब तो 75 mg/dL ही रखना है, क्योंकि ये बेहद ही घातक होता है और साइलेंट किलर होता है। आपको पता नहीं चलता आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ रहा है और फैट के रूप में डिपॉजिट होकर हार्ट को ब्लॉकेज कर रहा है। जब तक हार्ट की ब्लॉकेज 80% या अबव नहीं होता है आपको पता नहीं चलता आपके हार्ट ब्लॉकेज हो चुका है। दोस्तों, अब बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में, क्योंकि यूरिक एसिड जब हमारे शरीर में तय मात्रा से बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में किडनी की बीमारी और जोड़ों में सूजन की शिकायत होती है। तो एक फीमेल का यूरिक एसिड की मात्रा 6 mg/dL के अंदर ही रहना चाहिए। वहीं अगर पुरुष की बात करें तो इसकी मात्रा 7 mg/dL के अंदर होना चाहिए। दोस्तों, अब तक हम लोग ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात कर चुके हैं और अब बात करेंगे हमारे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। एक नॉर्मल आदमी के बॉडी टेम्परेचर करीब 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होने की ज़रूरत है। वहीं अगर पल्स रेट की बात करें तो एक नॉर्मल आदमी के प्रति मिनट 60 से लेकर 100 तक पल्स रेट होना चाहिए और ब्रीदिंग रेट प्रति मिनट 12 से लेकर 18 तक होने चाहिए।
अगर आपकी ब्रीदिंग रेट उससे ज़्यादा होती है, इसका मतलब आप तनाव में हैं या तो आपकी पल्पिटेशन ज़्यादा हो रही है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए नेक्स्ट कौन सा टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।